इस दौरान मिलिटेंट्स की फायरिंग में एक सीआरपीएफ 117 बटालियन का हालांकि इलाके में अपनी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। This was the funnel duty and we are aggrieved by the fact that we lost one of the member of our CRPF family, but we honor our martyrs. We are proud of the valor shown by the martyrs. We stand shoulder to shoulder with the family or the martyr, and we undertake to look after the family, its welfare and resettlement. Insofar as the operations are concerned, we are in complete synergy with the JK police, and we will continue our mission to neutralize the terrorists who have been operating in the area. And this doesn't deter us, it reinforces our resolve, and we are sure, we have made this strategy, and we are sure that we soon be neutralizing the elements, the terror elements who have been operating in this area. While we have had these two incidents in the last 24 hours, you must also remember that we have had a successful operation today morning in Tral area, in which one hardcore terrorist has been neutralized. Just a couple of days back, many successful operations have been carried out. In the current scenario where Pakistan and its agencies are sponsoring terror in the state, and they are promoting terrorism by all means, our effort is to see that every such effort is foiled. We've been successful, we will be successful, and anyone who is involved in this kind of terror violence will be brought to justice. Sir, पिछले कुछ समय से देखा गया है में काफी हाइडआउट बस किए गए हैं, अंडरग्राउंड हाइडआउट। क्या ये मिलिटेंट्स की नई स्ट्रेटजी है कि टनल्स बनाए, हाइडआउट अंडरग्राउंड बनाए? काफ़ी टनल जो बस्ट किए हैं उनमें से बहुत ज़्यादा तो पुराने हैं, जो दो दो साल तीन तीन साल पहले बने होंगे, मगर अब क्योंकि इंट नेटवर्क पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग वो पुरानी बनी हुई हाइडआउट्स भी सारी की सारी ट्रेस कर पाए हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही कारी जासिर, जो जैश का जहाँ पर टॉप कमांडर था जो मारा गया, उसके वक़्त का जो असला जमा कर करके जंगल की हाइडआउट में रखा था, 52 किलो असला और बाकी जो उसके साथ डेटोनेटिंग मटेरियल है वो भी पकड़ा गया। सो हमारी वो हर कोशिश है कि जिस जगह पे इनको पनाह मिलती है, चाहे वो बिल्ट अप एरिया हो, जंगल एरिया हो, कोई भी हाइडआउट हो, उनको ट्रेस करें, उनको ट्रैक करें और उसको डिस्ट्रॉय करें। ये एक्टिविटी जारी रहेगी आइंदा भी। सर, रिहायशी इलाकों को छोड़कर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से एम्युनिशन भेजा जा रहा है, क्योंकि एम्युनिशन की कमी मिलिटेंट्स के पास है, कैसे टैकल कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस? ये एक लेटेस्ट मैं कहूँगा कि कुकर्म है, घटिया हरकत है जो होने लगी है इस बॉर्डर में। पहले इस तरह की हरकत पंजाब के बॉर्डर में हो रही थी,
और हम लोग इसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि अभी तक काफ़ी इस तरह के केसेस जो ड्रोन से वेपन और नारकोटिक्स ड्रोपिंग के हैं, हम लोग उस सभी ट्रैक कर चुके हैं, ट्रेस कर चुके हैं और उसमें जितने भी मॉड्यूल इन्वॉल्व थे उनको पकड़ चुके हैं। ये एक और नापाक हरकत है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और इसके लिए सही कार्रवाई की जाएगी। रिहायशी इलाकों को छोड़कर मिलिटेंट्स का अंडरग्राउंड बंकर्स बनाना, वहाँ रहना सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक चैलेंज है। मैंने पहले ही उसका जिक्र किया कि किसी भी जगह पे टेररिस्ट का रहना न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स के लिए चैलेंज है बल्कि हमारे आवाम के लिए, लोगों के लिए खतरे की बात है, क्योंकि जब तक बंदूक के साथ टेररिस्ट पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों के इशारे पर टेररिस्ट वायलेंस को अंजाम देने के लिए जिंदा है, तब तक लोग उनका निशाना बनते रहेंगे, तब तक मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट होते रहेंगे। सो हम वो सब जगहों की तलाश कर रहे हैं जिस जगह पे टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं, चाहे वो बिल्टअप एरिया में हों चाहे जंगल्स के एरिया में हों। मगर मैं आपको बता दूं कि इतना कोई अलार्मिंग नंबर हाइड आउट्स का आगे पीछे नहीं है। ये कुछ हाइड आउट्स जो पहले से बना करके जिनको इस्तेमाल कर रहे थे, एक के बाद एक हम लोग उनको तबाह कर रहे हैं और उसको आगे भी करेंगे। सर, अब तक कितने मिलिटेंट्स हैं जो मारे जा चुके हैं इस वर्ष में? काफ़ी सक्सेसफुल ईयर रहा है। देखिए, अभी हम लोग 180 के करीब मार चुके हैं और लगभग इतना का नंबर जो इसके आसपास अभी अच्छा। सर आखिरी सवाल, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट उसमें कितनी कमी आई है? स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट जो है वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, बहुत बड़ी तादाद उनकी नहीं है। बहुत छोटे मोटे इंसिडेंट कभी कभार कहीं होते हैं, हम लोग बड़ी रिस्ट्रेंट के साथ उनको डील करते हैं और आइंदा भी रिस्ट्रेंट के साथ डील करते रहेंगे।